सब्सक्राइब कीजिए डेजर्ट टेक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम शर्मा, यू वाचिंग डेजर्ट टेक चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो ब्लॉगर का ही पार्ट होने वाली है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे, चाहे कोई भी वेबसाइट हो ब्लॉगर में बनी हुई, आप उस पर एक बेल आइकन को कैसे ऐड कर सकते हो। बेल आइकन मींस दिस, आप अभी जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो बिल्कुल इसी तरीके का बेल आइकन कैसे क्रिएट करना है, और ये जो आप ऊपर नोटिफिकेशन का एक निशान देख रहे हो, एक बॉक्स देख रहे हो, ये भी आपको कैसे क्रिएट करना है वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। असल में जब आप इसको लगा देते हो तो आपका जो ट्रैफिक होता है वो इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? अगर कोई इस पर क्लिक करता है, अलाउ कर देता है, सब्सक्राइब कर देता है, जो भी आप पोस्ट डालोगे, पोस्ट अपलोड करोगे, क्रिएट करोगे, पब्लिश करोगे, तो वो उस यूजर को नोटिफिकेशन चला जाएगा जिसने भी आपका सब्सक्राइब कर रखा है। तो इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका था जिसमें मैंने आपको बताया था ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ब्लॉगर की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है, लगभग आई थिंक 20 वीडियोज हो चुकी हैं ब्लॉगर की सीरीज पर। 20 वीडियोस कम नहीं होती हैं और अभी भी बहुत सारी वीडियोस मैं डालने वाला हूं। और इसी के साथ साथ वर्डप्रेस का भी कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, अगर आपने अभी तक उस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक करिए, और आप भी कहोगे वाह शिवम भाई मजा आ गया उस कोर्स से। तो प्लीज जाके ज्वाइन कर जरूर कर लेना, चेक जरूर कर लेना यारो, एक बार चेक करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बेल आइकन को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, ये रही हमारी वेबसाइट जो हमने ब्लॉगर पे बनाई है। अब हमको यहाँ पर एक बेल आइकन को ऐड करना है और नोटिफिकेशन जो बॉक्स आता है ऊपर उसको भी ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इस वेबसाइट पे चले जाना है, onesignal.com पे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सीधे इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद अगर आपके पास अकाउंट है पहले से तो बहुत बढ़िया, वैलिड गुड, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको सिंपली साइन अप वाले जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं साइन अप वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। साइन अप पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये हमसे पूछेगा आप किससे साइन अप करना चाहते हैं, गूगल से, फेसबुक से, गेटहब से, या अपना ईमेल एड्रेस डाल के, पासवर्ड डाल के और कंपनी डाल के आप अकाउंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा और ईमेल एड्रेस डाल के ही मैं यहाँ पे साइन अप करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं जो मेरी वेबसाइट का नाम है वो डाल देता हूँ। तो यहाँ से मैंने डाल दिया वेबसाइट का नाम, तीनों चीज मैंने फिलअप कर दी है। पासवर्ड को आप चाहे तो सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर कभी आपको फ्यूचर में कुछ सेटिंग्स अपडेट करनी हुई तो बहुत कम आएगा। आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये अकाउंट मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस, जैसे ही मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा मुझसे कहेगा चेक योर ईमेल यहाँ पर, यानी कि आपने जो अपना ईमेल एड्रेस डाला है यहाँ पर OneSignal ने आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा है, आपको उसको वेरीफाई करना होगा। तो गाइस, जो आपने ईमेल आईडी OneSignal अकाउंट क्रिएट करते समय डाली थी उसी ईमेल एड्रेस पर आपका एक कंफर्मेशन ईमेल आया होगा, आपको सिंपली उस ईमेल आईडी पर जाके चेक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने लिखा हुआ है कंफर्म योर अकाउंट, इसी बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस बटन में क्लिक कर दूंगा मैं एक नए टैब पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो जैसे ही मेरा अकाउंट कंफर्म हो जाएगा आपसे कहेगा नेम ऑफ योर ऐप और वेबसाइट, यानी कि अब आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। ध्यान रखिए मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट का दिखा रहा हूँ, किसी ऐप का नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वेबसाइट का नाम, जैसे कि जेड उज्ञान। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, एप्पल का मिल जाएगा, गूगल एंड्रॉइड का मिल जाएगा, वेबपुश का मिल जाएगा। आपको नॉर्मली वेबपुश पे क्लिक करना है एंड मोर ऑप्शन पे आपको क्लिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कॉन्फिगर योर प्लेटफॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपसे कहेगा टाइपिकल साइट। टाइपिकल साइट में वो वाली साइट्स आती हैं जिस पर आपको खुद क्रिएट करते हो HTML, CSS, जावा की मदद से। आपको कुछ नहीं करना, वर्डप्रेस प्लगइन और वेबसाइट बिल्डर पे क्लिक करना है। यहां पर सब कैटेगरी खुल जाएगी, आपको यहां पर ब्लॉगर को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम ब्लॉगर पर काम कर रहे हैं, ना कि मजेंटो वर्डप्रेस पे नहीं। यहां पर जैसे आप ब्लॉगर को सिलेक्ट करोगे आपको अपनी साइट का नाम देना है, जो भी आपने साइट का नाम रख रखा है। तो मैं यहां पर डाल देता हूं जेड उज्ञान। यहां पर आपको डालना है साइट का URL, तो यहाँ पे मैंने खोल रखा है, तो इस URL को मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे ऑटो रीसब्सक्राइब HTTPS ओनली, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। आइकन को भी आपको अपलोड नहीं करना, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आइकन का मीन्स जो आपका बेल आइकन आएगा, अगर कोई अलग से आप आइकन को अपलोड करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। चूज अ लेबल, आपको लेबल में कुछ नहीं करना है, खाली जेड ओ ज्ञान जैसे दिखा रहा है यही आपको लिख देना है। तो जेड ओ ज्ञान स्लैश ब्लॉक्स पॉट यहाँ पे मैंने डाल दिया।
गाइस लेबल डालना जरूरी है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। अब आपकी टी ये यहाँ पे हमने साइट का नाम भी दे दिया, साइट URL भी दे दिया, लेबल भी दे दिया। अब आपको क्या करना है, एड अ प्रॉम्प्ट पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बेल का आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मीडियम नहीं, मीडियम ही रहने देना है। यहाँ पे राइट आप लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए मतलब राइट में इधर आएगा, लेफ्ट में इधर आएगा, तो मैं इसको राइट ही रहने देता हूँ। कलर आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं, कलर मैं यहाँ से इसका कर देता हूँ ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर काफी अच्छा लगेगा एक ब्लैक कलर की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। एंड यहाँ पर आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपली डन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं डन पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पे आ जाएगा सब्सक्रिप्शन बेल। ओके गाइज हमारा बेल आइकन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्लाइड ये वाला ऑटोमेटिक रहेगा, तो आपको इसको छेड़छाड़ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आपका आता है इसको आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पर हमारे दो ऐड हो चुकी, एक सब्सक्रिप्शन बेल और एक स्लाइड प्रॉम्प्ट जो नोटिफिकेशन होता है। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए जब आपका कोई चैनल सब्सक्राइब करेगा, यानी कि आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब करेगा, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हो? तो मैं आप लिख देता हूँ थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं आप लिख देता हूँ थैंक्स फॉर ज्वाइन दिस फैमिली, तो यहाँ पे मैं लिख देता थैंक्स फॉर ज्वाइन दिस फैमिली। आप कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज में कैसा दिखाई देगा, मैक में कैसा दिखाई देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से नीचे आ जाना है। यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। एंड सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव कर दोगे तो आपके सामने एक कोड आएगा। चलिए देखते हैं, सेव होने देते हैं इसको। अब जैसे हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कोड आ जाएगा। अब आपको इस कोड का क्या काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली कॉपी कोड पर क्लिक करना है। जैसे कॉपी कोड करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है। आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाने के बाद थीम पर जाना है। थीम पर जाने के बाद ये जो ड्रॉप डाउन का आप मेन्यू बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिट HTML पर आपको क्लिक करना है। एंड एडिट HTML पर आपके सामने HTML खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेड का टैग दिख रहा है, आपको इस हेड के टैग पर कर्सर लाना है और यहाँ पर एक दो बार एंटर प्रेस कर देना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने किया है। और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने कोड को पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं जो पूरा कोड है ये वही कोड है जो मैंने पेस्ट किया हुआ है अभी। सिंपली इसको सेव कर देना है। अब जैसे ये सेव हो जाएगा तो इसको देखते हैं, सेव होने देते हैं। तो अपडेट सक्सेसफुली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो गाइस जैसे आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करा तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा बेल आइकन भी आ चुका है सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन। और जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझसे कहेगा सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए इसको सब्सक्राइब करके देखते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ से देखिए अलाउ विल लिक यू अनसब्सक्राइब एनी टाइम, यहाँ पे हमने कर दिया सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। तो हम अभी देख सकते हैं इस तरीके से सब्सक्राइब हो गया। और देखिए थैंक्स फॉर ज्वाइन दिस फैमिली नोटिफिकेशन भी हमको यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर बेल आइकन भी ऐड हो चुका, हमारा नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो गाइस देखा आपने, हमने कितने सिंपल तरीके से और आसान तरीके से अपने बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को कैसे अपनी वेबसाइट में ऐड कर लिया। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी टाइप का कोई एरर रहता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आता है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। लाइक करने के साथ साथ आपके वेबसाइट डेवलपर का अगर ग्रुप है तो उस पर शेयर भी कर देना। वेबसाइट डेवलपिंग की ट्रिक्स एंड टिप्स को जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, प्रोग्रामिंग, HTML एंड CSS के जैसे कोर्स लाता रहता हूं। आप मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, जहां पर मैं अभी अपने कोर्सेज को चला रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।